लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था आपके बुक का चैप्टर 5 स्पेशल अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था चिल्ड्रन. सो आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो हमने इसमें 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था. सो देखिए चिल्ड्रन, 21st क्वेश्चन क्या है. हाउ मैनी फ्लावर्स आर इन साइड द वेस. हमें ये फिगर गिवन है. ये क्या है, एक वेस है. ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ फ्लावर्स हैं और इसके बाहर भी क्या है, कुछ फ्लावर्स हैं. सो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, हाउ मैनी फ्लावर्स आर इनसाइड द वेस. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. इस वेस के अंदर कितने फ्लावर्स हैं, सो काउंट करिए, 1 2 3 4. सो क्या है, जो ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारा आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित इज स्टैंडिंग डैश द हाउस. ये क्या है चिल्ड्रन, ये क्या है, एक हाउस है और इसके बाहर ये क्या, कौन है, मोहित है. ठीक है, सो मोहित इज स्टैंडिंग डैश द हाउस. मोहित कहाँ खड़ा है, हाउस के बाहर खड़ा है, और बाहर को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड. ओके, सो यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड. मोहित इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस. ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज बॉल इज कैप्ड डैश द टेबल. ये देखिए हमें गिवन है यहाँ पे फिगर. देखिए क्या है चिल्ड्रन, टेबल के ऊपर क्या है, बॉल. ओके, सो टेबल के ऊपर यहाँ क्या है, बॉल है. सो बॉल इज कैप्ड डैश द टेबल. बॉल कहाँ पर है चिल्ड्रन, इनसाइड टेबल के अंदर, आउटसाइड टेबल के बाहर, टेबल पे, अबव मींस टेबल से ऊपर. सो हमारा आंसर क्या है, ऑन टेबल पर, बॉल इज कैप्ड ऑन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्विमिंग पूल. यहाँ क्या है, हमें पिक्चर दी हुई है. ओके, सो हमें ये क्या है, एक स्विमिंग पूल की पिक्चर है और इसमें क्या है, चिल्ड्रन है. सो हमें बताना है कि स्विमिंग पूल के अंदर कितने चिल्ड्रन हैं. सो चिल्ड्रन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो देयर आर 6 चिल्ड्रन देयर इन द स्विमिंग पूल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द हिल्स. हम ये फिगर गिवन है. ठीक है, सो हमें बताना है कि जो ये बर्ड्स हैं ये हिल्स पे कहाँ फ्लाई कर रहे हैं. देखिए चिल्ड्रन, ऑन द हिल्स, बिलो द हिल्स, अबव द हिल्स और इनसाइड द हिल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अबव द हिल्स, है ना, हिल्स के ऊपर कर रहे हैं ना फ्लाई. ओके, सो हमारा राइट आंसर है अबव. नेक्स्ट इज डैश इज स्टैंडिंग फार्देस्ट फ्रॉम द एटीएम. ये क्या है चिल्ड्रन, एटीएम मशीन है. फार्देस्ट का मतलब होता है, ये फार का मतलब होता है चिल्ड्रन दूर, और फार्देस्ट का मतलब हुआ कि सबसे दूर. सो चिल्ड्रन जो ये क्यू में कौन खड़े हैं, पर्सन खड़े हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एटीएम. सो एटीएम मशीन से सबसे दूर, सबसे फार्देस्ट कौन खड़ा है चिल्ड्रन, ये जो लास्ट में खड़ा है. सो इनका नेम क्या है, शिव. ओके, सो शिव इज स्टैंडिंग फार्देस्ट फ्रॉम द एटीएम. 27 क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, ये हमें फिगर गिवन है, एक स्कूल बस है. ठीक है, और इसके आउटसाइड में कुछ स्टूडेंट्स हैं और इसके इनसाइड में भी स्टूडेंट्स हैं और ड्राइवर है. सो हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, डैश इज फार्देस्ट फ्रॉम द बस. सो हमने अभी पढ़ा है कि फार्देस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे दूर. सो बस से सबसे दूर कौन खड़ा है, सबसे दूर देखिए यहाँ पर एक बॉय है ना, ये सबसे दूर खड़ा है ना बस से. सो इसका नेम क्या है, आरव. सो आरव इज फार्देस्ट फ्रॉम द बस. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, 28 क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, डैश फ्लावर्स आर कैप्ड आउटसाइड द फ्लावर पॉट. ओके, सो हमें बताना है कि कितने फ्लावर्स हैं जो फ्लावर पॉट के आउटसाइड में हैं. ये क्या है चिल्ड्रन, एक फ्लावर पॉट है, इसके अंदर क्या है, फ्लावर्स, और देखिए इसके आउटसाइड में भी क्या है, कुछ फ्लावर्स हैं. सो हमें कौन से फ्लावर्स को काउंट करना है, जो आउटसाइड में हैं, जो इस फ्लावर पॉट के बाहर हैं. ओके, सो हम इन फ्लावर्स को काउंट करेंगे, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. सो देर आर नाइन फ्लावर्स आउटसाइड द फ्लावर पॉट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन. एप्पल इज कैप्ट डैश द बुक्स. ओके सो ये क्या है, बुक्स है और यहाँ एप्पल है, तो हमें बताना है कि जो एप्पल है वो बुक्स के कहाँ पर है. सो एप्पल इज कैप्ट ऑन द बुक्स. ये एप्पल बुक्स पे है ना, ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर ऑन. एप्पल इज कैप्ट ऑन द बुक्स. नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पैरट्स सिटिंग ऑन द ट्री इज डैश. हमें यहाँ फिगर दी हुई है, ठीक है, और हमें ये बताना है चिल्ड्रन कि जो पैरट्स हैं, जो ट्री पर पैरट्स बैठे हैं उन्हें काउंट करना है. हमें बताना है कि कितने पैरट्स ट्री पर बैठे हैं. ओके काउंट देम. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. सो देयर आर एट पैरट सिटिंग ऑन द ट्री. सो आवर आंसर इज एट. ओके चिल्ड्रन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके और इसकी रिवीजन भी करनी है क्योंकि कमिंग डेज में आपका इसका टेस्ट होगा. ओके चिल्ड्रन, सो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ओके बाय, हैव अ गुड डे.